नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट जो कि मनी एंड बैंकिंग है उसकी इस वीडियो में बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये यूनिट 6 मार्क्स की है जिसमें मनी और जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। इस यूनिट में 3 मेन टॉपिक हैं, एक हो गया आपका मनी, एक कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। तो इन तीनों टॉपिक्स को हमें इसमें डिस्कस करना है, तो हम शुरुआत करते हैं मनी से। मनी का मीनिंग समझने से पहले या मनी के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ द बार्टर सिस्टम? नाउ यू कैन सी बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ मनी द सिस्टम विच वर एग्जिस्ट इन सोसाइटी इट वॉज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मीन्स व्हेन वी एक्सचेंज गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। हेयर यू कैन सी द मीनिंग दैट द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इट मीन्स सपोज वन पर्सन needs X commodity and Y person needs suppose one person needs X commodity and another person needs Y commodity and both exchange these commodities, such type of system would known as a barter system. We can understand this topic in one example. Here you can take one example. You can see here that suppose this is a person A and person A needs X commodity or X goods, and this is the person B and person B needs Y commodity. Now this B person have X commodity and this A person has X Y commodity. Now both these person exchange their commodities, then it is called the barter system. It means कि A के पास Y है और B के पास X है, यानी कि A के पास जो commodity है वो Y और B के पास जो commodity है वो है X, और A को चाहिए X और B को चाहिए Y, तो ये दोनों अपनी कॉमोडिटीज़ का आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इसी को हम बोलेंगे बार्टर सिस्टम, दिस इज़ कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। तो बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ मनी सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वॉज एग्जिस्ट इन द सोसाइटीज़ इन सिविलाइजेशन, बट देर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम। अर्लियर बिफोर द लास्ट ईयर this topic was in our syllabus, that what was the drawbacks of the barter system and how the money solved these problems, but now in our syllabus this is not this topic has been deleted. So here we just understand the meaning of barter system that I told you, so there is no need to tell about the drawbacks and the problem or the difficulties of the barter system. Next that we will read, that is about the money supply. This is first and the meaning of money. So how can we define the money and what is the meaning of money? You can see here that money can be defined as a commodity which is accepted as a medium of exchange and perform the function of measure of value and storage of value. In other words, we can say that anything which is accepted as a medium of exchange, is called money. This is a very simple definition of money, that whatever is accepted as a medium of exchange, that is called the money. जो कुछ भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम मनी कह सकते हैं या उसी को हम मनी बोलेंगे। तो ये मनी की एक डेफिनेशन हुई,
दूसरी एक जो टेक्निकल डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो मनी जो है वो एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा ये परफॉर्म करती है द फंक्शन ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू एंड द स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं। ये जो दो वर्क या दो फंक्शन हमने यहाँ डिस्कस किए, दैट वन इज फर्स्ट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट मीन्स एनीथिंग कैन बी एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ मनी। इसका सीधा सा मतलब है कि मनी के बदले में हम कुछ भी चीज़ जो है वो खरीद या बेच सकते हैं। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। और मनी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया कि जो बार्टर सिस्टम है उसमें दोनों काम हमें एक साथ करना पड़ता था, बाइंग एंड सेलिंग। यानी कि अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आपको कुछ बेचना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ बेचना है तो आपको कुछ ख़रीदना पड़ेगा। तो मनी ने ये किया कि ये जो दोनों वर्क हैं बाइंग एंड सेलिंग के, इनको सेपरेट कर दिया। नाउ यू नॉट नीड टू बाय एनीथिंग टू सेल योर गुड्स, एंड यू नॉट नीड टू सेल एनीथिंग टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वो है अबाउट द मेज़र ऑफ वैल्यू। तो मनी की एक ख़ास बात यह है कि ये वैल्यू को मेज़र करती है, यानी कि आज के डेट में जो भी गुड्स एंड सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सब को हम उन सब की वैल्यू को मनी की फॉर्म में मेज़र करते हैं। ये एक बड़ा फंक्शन मनी करता है। और एक और है, दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कि हम जो भी वैल्यू है उसको मनी की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर सम फंक्शन और सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मनी दैट वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो द फर्स्ट टॉपिक इज कम्प्लीटेड, दैट इज़ अबाउट द मनी मीनिंग एंड बार्टर सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वी रीड अबाउट द मनी सप्लाई। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड वॉट इज़ द मनी सप्लाई। सो हेयर यू कैन सी वॉट इज़ द मनी सप्लाई। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक इन टर्म्स ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। मनी क्या है कि जो पब्लिक है उस पब्लिक के पास टोटल करेंसी नोट्स हैं इन कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास हैं उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं। यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक, पब्लिक के पास जो मनी होगा, और मनी किस फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, एक तो इस फॉर्म में होगा। दूसरा, मनी सप्लाई में हम इंक्लूड करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं उन सबको भी हम मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करते हैं। और द थर्ड थिंग इज अदर डिपॉजिट्स विथ RBI इज कॉल्ड मनी सप्लाई। यानी कि जो तीनों चीज़ें हैं इनको मिलकर के ही हम मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई बोलेंगे। दोबारा समझ लीजिए कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक इन टर्म्स ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि पब्लिक के पास जो करेंसी नोट्स और कॉइन की फॉर्म में जो मनी है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कमर्शियल बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो, और तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद RBI इज कॉल्ड मनी सप्लाई। समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। सो दीज थ्री आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई के कंपोनेंट भी बोलेंगे। जैसे कि ये हो गया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक इन टर्म्स ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये जो अदर डिपॉजिट विद RBI है, इसमें गवर्नमेंट के अकाउंट हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की कोई जमा हो सकती है वो हैं, वो इसके अंदर हम शामिल करते हैं। दूसरा, यू कैन सी हियर दैट करेंसी मनी इज लीगल टेंडर। अब करेंसी मनी क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो करेंसी मनी इज अ लीगल टेंडर मनी इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। और जो पॉइंट नंबर 1, 2 and 3 है आर आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ मनी, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, इनको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं मनी सप्लाई इज अ C+DD+OD। C इज अ करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, DD इज द डिमांड डिपॉजिट्स इन द कमर्शियल बैंक, एंड OD इज द अदर डिपॉजिट्स विद RBI। एंड द करेंसी मनी इज द लीगल टेंडर मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ही मनी को या मनी सप्लाई को इशू करता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। आफ्टर दिस वी सी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इन आवर कंट्री
आरबीआई हैज़ अडॉप्टेड फोर मेजर ऑफ मनी सप्लाई. आरबीआई हैज़ अडॉप्टेड फोर मेजर ऑफ मनी सप्लाई विच आर गिवन एज, और इसको हमने दिया है नंबर वन इज़ M1. देखिए चार मेज़र आरबीआई ने अडॉप्ट किए हैं हमारे कंट्री में, और ये है M1, M2, M3 और M4. तो जो पहला मेज़र है दिस इज़ द M1. M1 मीन्स कि वही जो अभी हमने मनी सप्लाई के तीन कंपोनेंट पढ़े हैं उसी को हम M1 में रखेंगे. और ये क्या है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक दैट इज़ C, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक दैट इज़ DD एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI दैट इज़ OD. तो यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अबाउट द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. इससे पहले हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, और ये है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. इसका मतलब कि हमारे कंट्री में RBI किस किस तरीके से मनी सप्लाई को मेज़र करता है. तो जो पहला जो मेज़र है वो है M1. M1 का मतलब हो गया, इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे करेंसी नोट और कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. दूसरा जो मेज़र है वो है M2, और M2 में जो M1 है वो आ जाएगा, जो कंप्लीट M1 है वो आ जाएगा, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी. यानी कि अगर हम M2 मेजरमेंट की बात करें तो M1 के जो तीनों कंपोनेंट है वो तो इसके अंदर आ ही जाएंगे, और उसके साथ ही जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. तीसरा जो मेजरमेंट है वो है M3, और M3 में अगेन M1 लेंगे, और M1 के साथ साथ टाइम डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स हम इसके अंदर ले लेंगे. देखिए M1 में हमने लिया केवल डिमांड डिपॉजिट्स, और M3 में डिमांड डिपॉजिट्स के साथ साथ क्या आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा. तो M1 आ जाएगा M3 के अंदर, और साथ ही जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट्स मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट जो RD हैं और फिक्स डिपॉजिट जो FD हैं वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट हमारा है M4, जो कि लास्ट मेजरमेंट है. तो M4 में ये जो M3 है ये इंक्लूड होगा, प्लस जो टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस है वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे. क्योंकि देखिए M2 में हमने देखा था तो M1 के साथ साथ केवल और पोस्ट ऑफिस की कौन सी डिपॉजिट्स थी, सेविंग डिपॉजिट्स थी. यहाँ पर M4 के अंदर M3 तो आएगा ही है, M3 के साथ साथ जो पोस्ट ऑफिस की जो टोटल डिपॉजिट हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी. तो जो सबसे ब्रॉड जो मेजरमेंट है वो हम M4 को मानेंगे, लेकिन जो सबसे लिक्विड जो मेजरमेंट है वो हम M1 को ही मानेंगे. उसमें जो है सेविंग्स और करेंसी ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. तो ये हुई बात किसकी, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की. इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज़ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी वी डिस्कस हेयर. द फर्स्ट इज़ द हाई पावर्ड मनी. नाउ व्हाट इज़ दिस हाई पावर्ड मनी, इट मींस कैश कॉइन्स एंड नोट्स विद द पीपल एंड कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक. हाई पावर मनी हम उसको कहेंगे जिसमें कॉइन्स और नोट आ जाते हैं जो लोगों के पास है, और साथ ही जो कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व हैं वो सारे हाई पावर मनी में काउंट होते हैं. हाई पावर मनी इसलिए हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये लिक्विडिटी है, लोगों के पास जो पैसा है वो लिक्विड फॉर्म में है. दैट मीन्स दे कैन बी यूज एनी टाइम, और कहीं पर भी कभी भी उसको यूज़ किया जा सकता है. दूसरा एक है आपका फिएट मनी. तो फिएट मनी का मतलब होता है इट रेफर्स टू मनी बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स नोट्स एंड कॉइन्स. ये भी जो एक तरह से टेंडर जो मनी है उसी को हम फिएट मनी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी है, जैसे हमारे कंट्री में RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इसको ऑथराइज करते हैं, उस मनी को हम क्या बोलेंगे, फिएट मनी बोलेंगे. दैट इज़ कॉल्ड द फिएट मनी. सो दीस आर सम टॉपिक अबाउट द मनी. ना एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. देखिए फटाफट से इसमें हमने जो अभी तक पढ़ा, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम क्या होता है. उसके बाद हमारे को इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है वो नहीं पढ़ने हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. फिर आप करेंगे मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स है जो कि तीन कंपोनेंट है, C+ DD+ OD, और एक हमने टॉपिक किया इसके अंदर मनी, मनी की डेफिनेशन, फिर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, उसके बाद कुछ दो टाइप की मनी है वो हाई पावर मनी एंड फिएट मनी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कमर्शियल बैंक. जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल बैंक. यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, व्हाट इज़ द कमर्शियल बैंक. देखिए जो कमर्शियल बैंक है उसके दो मेन फंक्शन हैं. फर्स्ट कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, और सेकेंड वो लोन देता है.
और डिपॉजिट्स जो वो एक्सेप्ट करता है उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है कि इन डिपॉजिट्स को बैंक जब भी कस्टमर डिमांड करेगा उसको वापस देना होगा, उसको वापस देना होगा। फॉर एग्जांपल LIC भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, हम जो इंश्योरेंस कराते हैं उस प्रीमियम को जो हम जमा करते हैं वो प्रीमियम LIC में जमा होता है, इट मीन्स कि LIC डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन वो प्रीमियम जब वेन एवर वी डिमांड LIC डज नॉट पे दैट डिपॉजिट्स टू अस, उसको जब भी हम डिमांड करेंगे नहीं देगा, उसका एक सर्टेन पीरियड है, उस सर्टेन पीरियड के बाद ही LIC हमारे को वो पैसा वापस देगा। तो LIC डिपॉजिट करता है इसलिए वो, लेकिन वो बैंक नहीं है। इसी तरीके से कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लोन देते हैं बट वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो भी बैंक नहीं है। तो अगर हम यहाँ से बैंक की डेफिनेशन देखें, इफ़ वी सी द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, सो इट इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड मेकिंग लोन्स एंड एडवांस टू देम टू अर्न प्रॉफिट। और कमर्शियल बैंक एक तरह से कंपनी एक्ट के तहत ही काम करता है, इसलिए उसका जो एम होगा, कमर्शियल बैंक का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रॉफिट अर्न करना होगा। और उसके लिए वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड मेकिंग लोन्स एंड एडवांस टू देम टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि लोन देता है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डिपॉजिट्स हैं ये डिमांड करने पर बैंक को इन्हें वापस रीपे करना होता है, और ये हम किसी भी तरीके से अपना डिपॉजिट्स बैंक से मांग सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक, DD या और भी कोई तरीका इसका हो सकता है। लेकिन हमारा पैसा यानी कि जो पब्लिक का पैसा है, जब भी वो उसको बैंक में जाके डिमांड करेंगे कमर्शियल बैंक में, तो कमर्शियल बैंक को वो पैसा पब्लिक को देना होगा। और जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ इस तरह की कंडीशन नहीं है, तो इसलिए हम कमर्शियल बैंक की ये डेफिनेशन को इस तरीके से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसके फंक्शंस की हम बात करेंगे, तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, दो प्राइमरी फंक्शन हम इसकी बात करते हैं, दो प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक के। पहला है दैट इज़ द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा है एडवांसिंग लोन। यानी कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक एंड पे इट इन ऑन देयर डिमांड, और उनको उनकी डिमांड पर पे करता है। दूसरा मेन फंक्शन जो बैंक का है वो है एडवांसिंग लोन, यानी कि वो लोन देता है। बैंक्स गिव लोन फॉर मेनली प्रोडक्टिव पर्पस, ज़्यादातर जो बैंक लोन देता है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही लोन देता है। अब कई बार यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स में कुछ एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक बार हम कितने टाइप के डिपॉजिट्स हैं उसको भी हम यहाँ स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। द फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट बैंक गिव्स इंटरेस्ट बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ डे। यानी कि सेविंग अकाउंट जो होता है, सेविंग अकाउंट पर बैंक हमारे को इंटरेस्ट देता है, जैसे अभी 3-3.5 या कुछ बैंक 4%, कुछ 3%, कुछ 3.5% इंटरेस्ट हमें देते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट के साथ एक कंडीशन ये जुड़ी होती है कि इसमें आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ही एक दिन में कर सकते हैं, यानी कि आप अनेक मैनी टाइम्स आप पैसा निकाल नहीं सकते, पैसा डाल नहीं सकते, ये सेविंग अकाउंट की खास बात है। दूसरा जो अकाउंट है वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो करंट अकाउंट खोलते हैं बैंक में, और करंट अकाउंट पर कमर्शियल बैंक किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देता। इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट बैंक डज नॉट गिव एनी इंटरेस्ट बट देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ डे। लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें किसी तरह के कोई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। दैट मीन्स यू कैन डू मैनी ट्रांजेक्शंस इन अ डे, यू कैन डिपॉजिट योर मनी, यू कैन टेक आउट योर मनी फ्रॉम द बैंक एट एनी नंबर ऑफ टाइम। दिस इज़ द अनादर फीचर ऑफ द करंट अकाउंट। द नेक्स्ट इज टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मीन्स इट, यू कैन सी विद द नेम ऑफ दिस डिपॉजिट टर्म, इट मीन्स स्पेसिफाइड पीरियड इज एसोसिएटेड विद सच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, वन इज द फिक्स डिपॉजिट एंड अनादर इज द रिकरिंग डिपॉजिट। नाउ व्हाट इज द फिक्स डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट मीन्स कि अकाउंट मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स टाइम लाइक 1 year, 2 year, etc.
यानी कि जिसको हम जनरल जो नॉर्मल भाषा है फिक्स डिपॉजिट की, उसको हम एफडी बोलते हैं। तो एफडी में जो पैसा जमा होता है वो एक लमसम अमाउंट एक बार में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जमा हो जाता है। जैसे सपोज़ करिए कि आप 1,00,000 रुपये जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल की आपकी एफडी होगी 1,00,000, यानी कि 5 साल से पहले आप वो पैसा नहीं निकालेंगे और उसके ऊपर उसी हिसाब से बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें आपका बार बार ट्रांजेक्शन नहीं होता है। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें भी हम पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा होता है, लेकिन ये पैसा एक बार में जमा नहीं होता बल्कि एक जो प्रीमियम के तौर पर जमा होता है कि इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट मनी इज़ डिपॉजिटेड फॉर फिक्स टाइम बट ऑन मंथली बेसिस। हर महीने की, जैसे मान लीजिए आपने 5 साल की इफ़ यू क्रिएट एफडी या आरडी, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसको हम कहते हैं आरडी। आपने सपोज करिए कि 3 साल की आरडी ओपन करी और 3 साल की आरडी में यू डिसाइडेड दैट यू विल डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि हर महीने आप क्या करेंगे 1,000 रुपया 3 साल तक जमा करेंगे। तो ये हमारी हो गई आरडी। अब 1 साल में आपके 12,000 और 3 साल में आपके 36,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, जमा होंगे, और उसके ऊपर उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द आरडी, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। जो टर्म डिपॉजिट होता है वो इस तरीके से दो टाइप का होता है, एक हो गया आपका एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, और एक हो गया आपका आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये दो टाइप के डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वी इन दिस टॉपिक वी विल नो हाउ द बैंक्स क्रिएट द कमर्शियल बैंक क्रिएट्स द क्रेडिट बैंक क्रिएट्स द क्रेडिट एंड दे गिव लोन टू द पब्लिक। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ कीप विथ अस, रिमेन विथ अस एंड वॉच अवर वीडियो. They are very benefit for you.